दस साल का हिसाब न गिना, प्रधानमंत्री ने कौन सी चिंता की है देश की जिसको उन्होंने सुधारा है। बेरोजगारी बढ़ा दी, गरीबी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी। जब उनको इतना पता है कि 270 पार कर लिए तो उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वो 270 पार ही कर लिए तो क्यों चुनाव लड़ रहे, बैठ जाना चाहिए। तो हर चीज का वाहवाही करने में मोदी जी आगे हैं। पांचवें चरण की वोटिंग के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान पीएम मोदी पर आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है तेजस्वी यादव ने, क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, उनका बयान पहले सुन लीजिए आप। तेजस्वी जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि न देश की चिंता है, न समाज की, कांग्रेस की, बस परिवार की चिंता है। प्रधानमंत्री जी अपना कुछ भी कहते रहते हैं, दस साल का हिसाब न गिना, प्रधानमंत्री ने कौन सी चिंता की है देश की जिसको उन्होंने सुधारा है। बेरोजगारी बढ़ा दी, गरीबी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं दिया, बाढ़ के लिए एक बार भी समय नहीं दिया, मीटिंग नहीं की, जो बाढ़ हम लोगों की समस्या रहती है। एक सुई का कारखाना नहीं खोला प्रधानमंत्री ने, 40 में से 39 सांसद गए, 39 सांसदों ने क्या किया बिहार के लिए, ज़रा हिसाब तो उनको देना चाहिए। और काम की बात तो वो बोलते नहीं है, बेकार की बातें बोलते हैं, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई के बारे में नहीं बोलते, महंगाई बेरोजगारी गरीबी के बारे में नहीं बोलते, तो उनके बोलने से कोई फर्क अब जनता में नहीं पड़ रहा है, अब जनता उनको हटाना चाह रहा है। पीएम फिर आ रहे हैं बिहार आज। हाँ तो भाई आए ना, डोनाल्ड ट्रंप को कहीं नहीं लेके आ रहे हैं, पुतिन को भी बुला लेते हैं, एगो साउथ नॉर्थ कोरिया वाले हैं ना किम जोंग को भी बुला ले, और दोनों चारों मिल करके तब भरपूर बिहार में प्रचार करें। अमित शाह ने कल का मतदान चल रहा है, अरे जीत रहे, आपको समझना पड़ेगा कि बीजेपी के लोग घबराए हुए, उनका पतन शुरू हो गया। चल ये अमित शाह ने कल कहा है रैली में कि हम लोग चार फेज में 270 सीट पार कर चुके हैं, हम लोग 300 कर, भाजपा के यार दिन में सपने देख रहे हैं 300 सीटों के। तो तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है, दरअसल पीएम मोदी लगातार परिवारवाद के मुद्दे पर लालू परिवार को घेर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव ने भी उन्हें तगड़ा जवाब दिया है और कह दिया है कि पीएम बताएं आखिर उन्होंने क्या किया है, 10 साल से वो पीएम हैं, देश के लिए कौन सा उन्होंने बड़ा काम कर दिया है, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। वही दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के परम सहयोगी, जी हाँ, तेजस्वी यादव के साथ लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं सन ऑफ मल्ला मुकेश सैनी, उन्होंने भी हमला बोला है, क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सैनी, ये भी सुन लीजिए आप। बहुत ही अच्छा है, जनता अपना मत का अधिकार करेगा, खास करके हमारे देश का युवा जो है वो मजबूती से मतदान कर रहे हैं, और देश को युवा को पता है कि अभी हमें देशभक्त बनना है, ना ही कि किसी का अंधभक्त बनना है, तो वो सब समझ चुके हैं। 2014 में जो जिस तरीके से वो सोच रहे थे कि कुछ आएंगे और हमारे अच्छे दिन ले आएंगे, तो ये सब उनको समझ में आ गया, 10 साल में अच्छे दिन नहीं आए। हम मोदी जी का अच्छे दिन आ गए, जो 10 साल में 15,000 बार कपड़ा बदले, देश दुनिया में घूमने में रिकॉर्ड बना लिए, तो हर चीज़ का वाहवाही करने में मोदी जी आगे हैं, दुनिया घूमने में आगे हैं, काम करने में पीछे हैं, ये देश के युवा को पता चल गया, और युवा समझदार है, और युवा मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ है, और सब जगह अच्छा रहेगा, और हम लोग ये जहाँ पे भी चुनाव हो रहा है सब जगह हम लोग चुनाव जीतेंगे। अमित शाह ने कहा है कि 4 चरण का चुनाव हो गया है, हमने 270 सीटें पार कर ली है, और अभी तक कांग्रेस आपको लालू को 4 सीट भी नहीं और राहुल गांधी को 40 सीट भी नहीं, तो वो तो 270 पार ही कर लिए तो क्यों चुनाव लड़ रहे, बैठ जाना चाहिए, क्यों रोड पे पूरा देश दुनिया में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, बैठ जाना चाहिए, विपक्ष को लड़ने देना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष जो है वो सरकार का आईना दिखाने वाले हैं, सरकार को आईना दिखाएंगे, मजबूत हमारा विपक्ष होगा तब हमारा देश अच्छा चलेगा। जब उनको इतना पता है कि 270 पार कर लिए तो उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूँ जोड़ के कि विपक्ष को भी जिंदा रहने दीजिए, आप मान ही रहे कि आप सरकार बना रहे तो आप चुनाव मत लड़िए, और सब जगह हम लोग इंडिया गठबंधन को समर्थन दे दीजिए ताकि हम लोग जीत जाए, और हम लोग आप तो सरकार बना रहे तो हम लोग विपक्ष में रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, सरकार हम लोग बना रहे हैं और उनको परेशानी है, इसलिए तो देख रहे हैं बार बार बिहार आ रहे हैं मोदी जी, इससे पहले कभी इतना बिहार आए
और आज भी सुन रहे आ रहे हैं और शायद दो दिवसीय आज भी रात को रुकेंगे। आप बताइए 10 साल में जब प्रधानमंत्री जब तक रहे एक्टिव तो एक दिन के लिए भी बिहार में रात्रि विश्राम नहीं किए और हमने कई बार लगातार हमने कहा कि मोदी जी काश अगर बिहार में रात्रि विश्राम करते, लेकिन अभी इस बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव के समय में ये दूसरी बार ऐसा है कि रात्रि विश्राम हो रहा। तो खैर बिहार है, बिहार में हम सभी को स्वागत करते हैं, हम लोग हमेशा मेहमान को बढ़ चढ़ के स्वागत करते बिहार आ रहे, लेकिन मैं आग्रह करूँगा कि इसके बाद भी आइए, भले प्रधानमंत्री मत रहिएगा लेकिन ऐसे भी आप आते रहिए बिहार में और बिहार के लोगों का प्यार आशीर्वाद सब प्राप्त करते रहिएगा। पहले कहाँ था, जब 10 साल पावर में रहे हैं तभी भी लगाव होना चाहिए ना, अभी जाने के टाइम में क्या लगाव, अभी जब आप जल जा रहे हैं, पहले लगाव होता तो शायद बिहार में कई फैक्ट्री आप खुलवा देते, युवा के लिए बहुत अच्छा विकल्प देते, और अभी आप जाने के टाइम में आपको लगाव लगा के क्या फ़ायदा है। अभी तो हम लोग खुद ही दिल्ली पहुंच रहे हैं, बिहारी मजबूती से लड़ेंगे और आगे पहुंचाएंगे। और देखिए चुनाव में मैं आप सबके माध्यम से आग्रह करता हूँ हमारे तमाम जनता को कि मजबूती से अपना मत का प्रयोग करें और वोट परसेंटेज अगर कम होता है तो इसमें बीजेपी का धड़कन बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन हम चाहेंगे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, लेकिन अगर कम होता है तो बीजेपी का धड़कन बढ़ जाता है, ये सब आप सबको भी पता है और बिहार की जनता को पता है कि कौन लोग धूप में निकलना नहीं चाहते। धन्यवाद। तो सुन लिया आपने कि मुकेश सैनी भी हमला बोल रहे हैं, पीएम मोदी के साथ साथ अमित शाह को भी लपेट रहे हैं और अमित शाह ने जो बयान दिया है कि 270 सीटें पार कर चुके हैं, तो उस पर तेजस्वी ने भी कहा कि हम 300 सीटें पार कर चुके हैं इंडिया गठबंधन जो है, और इसका जवाब मुकेश सैनी ने भी दिया है। तो दोनों नेताओं ने मिलकर बड़ा हमला, तगड़ा हमला पीएम मोदी पर और गृह मंत्री अमित शाह पर बोल दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।